चला कि यहाँ पे डेथ हो गया। जब यहाँ आए तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बात ये है कि 22 तारीख को उसको एडमिट किया जाता है और 22 तारीख से अभी तक, अभी वो उसकी मृत्यु हो गई है, अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया। और कल मृतक के परिवार से खून साफ के नाम पर 500 रुपया मरने के कगार पर है और यहाँ जब उसके परिजन से 500 रुपया दिया है तब जाके वहाँ जांच हुआ है। हम 500 रुपया दे के जाते हैं, समझे ने? वो गरीब लड़की है, मतलब उसका बहुत ज्यादा गरीब है, 2 बच्चा है। हम सोचे कि खाना क्या खाएगा और मतलब कुछ तो देते गए तो फिर मांगी कल पैसा, तो हम बोले कि ऐसा बात है, आप पैसा बार बार हमसे क्यों मांग रहे हैं? इस इन्फॉर्मेशन उसको भेजते हैं, फर्स्ट PIR, सेकंड PIR, ठीक है। इस ये प्रोसीड्योर है जो कि जिसमें कहीं कुछ ब्रीच हुआ है, जो कि आउट ऑफ कन्फ्यूजन या आउट ऑफ इग्नोरेंस कहिए या आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग रादर। क्या रीज़न है आप लोग यहाँ पे आज क्यों आए हैं? और देखिए, हम लोग को सुबह में जानकारी हुई कि राजू खान, जो तकरीबन 36 साल, 26 साल का लड़का है, नौजवान, उसका 2 छोटा बच्चा है, ये आपका कटकम सांडी से रहने वाला है। हम लोग को अभी हेदलाक से अभी हम सुबह में पता चला कि यहाँ पे डेथ हो गया। जब यहाँ आए तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बात ये है कि 22 तारीख को उसको एडमिट किया जाता है और 22 तारीख से अभी तक, अभी वो उसकी मृत्यु हो गई है, अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया, जबकि परिजन के पास उस लड़का का फर्द बयान है। वो बोला है कि मेरे साथ मारपीट हुआ है और अपने मुखिया, जो वहां के मुखिया, जैसा लोगों ने बताया कि मुखिया के सामने उसने कबूला है कि मुझे बुरी तरह से मारा गया है। उस कंडीशन में यहाँ पे जो हॉस्पिटल के प्रशासन है इस मामले को अगर रफा दफी कर रहे हैं और अपना ऐप छिपा रहे हैं, आप अभी मेरे साथ आप घूम जाइए, पूरे हॉस्पिटल परिसर में सिर्फ MRO की भरमार पड़ी है। मरीज देखने में डॉक्टर बिजी नहीं है, MR से मीटिंग करने में सबसे ज्यादा है डॉक्टर बिजी है। यहां पे जो घपलाबाजी चल रहा है ये सरासर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और आज के बाद ये भी बता दे रहा, यहां पे जो सुपरिंटेंडेंट साहब है, बराबर इनकी आदत रही है कि जो लोग आते हैं तो ये अगर बोलते हैं कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे तो धमकी देते हैं कि मंत्री जी तो हमारे हैं, तो अगर मंत्री जी आपके हैं तो आप अपने आप को बचवा लीजिएगा, मंत्री जी अगर आप ही को बचा देंगे तो। ये सरासर गलती है। आप काम करने आए, गरीबों का इलाज करने आए, हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल उसमें गरीबों का इलाज होता है, और यहां से भी लोगों को अगर न्याय और इलाज ना मिलेगा तो फिर आप तो चाहते हैं कि मोदी सरकार के राज में आप बड़े बड़े जो हॉस्पिटल में जाके आप बैठ रहे हैं, रात में वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को दीजिए पैसा। ये तो एकदम सरासर गलत है। और अभी भी यहां पे बैठे हुए इंचार्ज साहब कह रहे हैं कि अभी हम पहले इसमें हम जांच करेंगे। अरे जांच आप पूछिए, पूछिए अभी कि अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया गया, ये आप अभी पूछिए। और अगर नहीं किया गया है तो ये तो साक्ष्य है आपके सामने, पूरा हॉस्पिटल मेरा बात प्रमाण है, रिटेन प्रमाण है। ये जब अगर नहीं पूछा गया तो आपके सामने साक्ष्य होगी कि कार्रवाई डायरेक्ट होगी, फिर पूछना कैसा? और कल मृतक के परिवार से खून साफ के नाम पर 500 रुपया मरने के कगार पर है और यहाँ जब उसके परिजन से 500 रुपया दिया है तब जाके वहाँ जांच हुआ है। ये तो सदर हॉस्पिटल का ये स्थिति है। डेली हम 500 रुपया दे के जाते हैं, समझे ने? वो गरीब लड़की है, मतलब उसका बहुत ज्यादा गरीब है, 2 बच्चा है। हम सोचे कि खाना क्या खाएगा और मतलब कुछ तो देते गए तो फिर मांगी कल पैसा, तो हम बोले कि ऐसा बात है, आप पैसा बार बार हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो भैया देखिए, इन नर्स को 50 रुपये दिए, वहाँ 200 रुपये दिए, यहाँ 300, सब जुड़वा दिए। और जब हम बोले कि ऐसा ऐसा आप लोग क्यों कर रहे, तो बोल हॉस्पिटल में कोई सामान नहीं है सरकारी, आपको अगर कराना है इलाज तो कराइए, तो पेशेंट को उठाइए ले जाइए। जिसमें हमने हल्ला भी किया, आवाज भी उठाया, हम बताएं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड अध्यक्ष के नाते बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कि आपको इलाज करना होगा, बोल जाइए आप सुपरिंटेंडेंट के पास जाइए, आपका इलाज नहीं होगा। और सुबह जब हम आए मरने के बाद, जब मर गया राजू खान, सुबह आए तो पता चला कि पेपर दिया, वो पेपर को छीन के फाड़ दिया गया। यही है, परिजन करोड़ों का बुरा हाल है। एक मल्टीपल इंजरी का मरीज आया, भर्ती हुआ। कायदे से ये होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या मारपीट है तो तुरंत पुलिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है, ठीक है।
थर्ड शिफ्ट में मरीज आया था 10 बजे के बाद ना, तो अब वो भर्ती हो गया मरीज, हड्डी विभाग में भर्ती किया गया उसको, और डेथ हुआ है कल रात, आज सुबह में हुआ है, आज सुबह माने भोर में, सूर्योदय के पहले, मतलब 6:25 में उनका डेथ हो गया। तो कायदे से होना चाहिए कि फिर अनदर पुलिस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, शुरू में भर्ती होते समय डेथ हो गया तो फिर पुलिस इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि ये पुलिस मामला था और इनका डेथ हो गया है इतना बज के इतना मिनट पर, उसका सारा पेपर BST वगैरह कागज वगैरह भर्ती करा उस पर कंप्लीट करके, और उसके बाद डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है कि भाई इनका पोस्टमार्टम कराया जाए, प्रोसीड्योर यही है। अब जो डॉक्टर थे जूनियर हैं वो, उनका कहना है कि हम तुरंत पुलिस इन्फॉर्मेशन नहीं कर पाए रात में, है ना। हम बोले ठीक है तुरंत नहीं कर पाए तो सुबह में करना चाहिए, या जब या वार्ड में गया तो वार्ड में होना चाहिए, वार्ड से इन्फॉर्मेशन चला जाइए जिनके अंडर में, ये डॉक्टर शशिकांत के साइड में मरीज भर्ती था, हड्डी के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वही यूनिट इंचार्ज भी, ठीक है। तो कायदे से ये सारा पुलिस से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क था सब उन्हीं के लेवल से होना चाहिए था, तरीका यही है। और उस मरीज का इंजरी तो खैर जो SOD होते हैं सर्जन ऑन ड्यूटी, SOD रोस्टर बनता है, रोस्टर के हिसाब से 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है, ठीक है। तो अब चूँकि अगर डेथ नहीं हुआ तो जो SOD है वो इंजरी लिखते हैं, अगर डेथ हो गया तो फिर इंजरी का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाता है, पोस्टमार्टम होता है और उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई होती है, और दोनों ही मामले में पुलिस इन्फॉर्मेशन सेकेंड PIR बोलते हैं, पुलिस इन्फॉर्मेशन उसको भेजते हैं, फर्स्ट PIR सेकेंड PIR, ठीक है। इस ये प्रोसीड्योर है जो कि जिसमें कहीं कुछ ब्रीच हुआ है जो कि आउट ऑफ कन्फ्यूजन या आउट ऑफ इग्नोरेंस कहिए या आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग रादर, दिस कैन बी एनीथिंग। और सर इसमें परिजन कह रहे हैं कि 22 तारीख को एडमिट किया गया था तो उनका इलाज मतलब सही से नहीं किया गया, उनको देखा नहीं गया, तो ये तो इलाज जो जिनके अंडर में भर्ती था डॉक्टर शशिकांत के साइड में वही बता सकते हैं कि वो आगे क्या हुआ। तो सभी इंक्वायरी भी आप, हाँ मरीज देखते हैं अपने अपने, कुछ इंक्वायरी भी बैठाएंगे आप लोग कायदे से, तो ये तो होना चाहिए इंक्वायरी, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि हम जाँच समिति इंक्वायरी होगा, जो दोषी पाए जाएंगे दोनों शब्द तो, अलग का, तो कार्रवाई करने के पहले आप शो कॉज करिएगा ना भाई, आपके सामने सारे प्रूफ और तथ्य है, आपने एक्सेप्ट भी किया सारे प्रूफ और तथ्य के आधार पर। आप एक चीज बताइए, आपके यहाँ 22 तारीख को अभी आप बताए, भी पत्रकार महोदय को भी बताया, हम लोग को भी बताया, परिजन को भी बताया, 22 तारीख को आपके यहाँ मरीज एडमिट होता है, कायदे से आपने कहा कि पुलिस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, 22 तारीख से सुबह को फिर ड्यूटी चेंज होता है, दूसरा भी शिफ्ट स्टार्ट होता है, क्या आपके दूसरे डॉक्टर ने उनका संज्ञान लिया? इसीलिए तो उनको शशिकांत, उसके बाद फिर रात होती है, फिर रात में शिफ्ट चेंज होता है दोपहर में, तीसरे डॉक्टर ने संज्ञान लिया,